बच्चों, आज हम बात करेंगे थोड़ी सी वर्क के बारे में। अब वर्क देखो बच्चों, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये मार्कर है, ये मैंने यहाँ रखा ऐसे, और इसको जब मैंने फोर्स लगाया तब जाके हिला, तो जब ये डिस्प्लेस हुआ तभी हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट ए टू बी गई तभी हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो ही वर्क होगा, वरना वर्क होगा नहीं। देखो, फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट जब होगा, जब एस होगा, ये डिस्प्लेसमेंट एस कवर होगा, तभी वर्क होगा, वरना वर्क नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपने किसी मजदूर को घर पे सामान शिफ्ट करते टाइम पे लाया, तो अलमारी सपोज आपकी उठानी है और गाड़ी में रखनी है, तो यहां से लेके गाड़ी तक अलमारी रखेगा मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए उस मजदूर को फोर्स लगाना होगा, और इसी फोर्स को आप, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को आप वर्क कहते हैं। बस समझ गए? चलो, तो अब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क, ये देखो, ये पहला जो वर्क है, ये देखो फोर्स इस साइड है बच्चों, ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर है। ठीक है, ये छोड़ो, मैं आपको डायरेक्ट बता दो, इसमें ये सही नहीं दिया पूरा डिटेल। अब देखो, अगर अगर फोर्स इस साइड है और डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड है, मतलब फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तब जाके दोनों के बीच का एंगल क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो है, थीटा जीरो है। तो यहां पॉजिटिव वर्क है। क्या है? पॉजिटिव वर्क, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसका जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है, समझ गए? अब यहां भी पॉजिटिव, क्योंकि ये 90 से छोटा, 90 से छोटा भी चलेगा, ये थीटा 90 से छोटा चाहिए, थीटा कैन बी लेस देन 90, लेस देन 90। अब नेगेटिव वर्क क्या होता है? नेगेटिव वर्क यानी इसके उल्टा, थीटा 180, थीटा इज इक्वल टू 180, मतलब अगर फोर्स इधर लगा रहे, ठीक है, फोर्स इस साइड लगा रहे, तो डिस्प्लेसमेंट पीछे के साइड होगी, समझ गए? और जीरो यानी देखो, ऐसे कोई आपने चीज रखी इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगा रहे या ऐसे लगा रहे, तो थीटा बन जाएगा 90, और जब थीटा 90 तो फॉर्मूला क्या है? W का दूसरा वाला एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 डालोगे तो कॉस 90 होता है बेटा जीरो, इसीलिए ये हो गया आपका जीरो वर्क। क्योंकि थीटा जब 90, जैसे ये मार्कर मैंने ऐसे रखा, इसको मुझे हिलाना है, तो क्या ऐसा वजन, ऐसा डालूंगा फोर्स, ऐसा डालूंगा तो हिलेगा क्या? नहीं, नहीं हिलेगा, ये जगह भी है, लेकिन ऐसा लगाना होगा तब, समझे? तो थीटा जीरो रहा तो पॉजिटिव वर्क, या 90 से छोटा रहा तो पॉजिटिव वर्क, थीटा 180 रहा तो निगेटिव वर्क, समझ गए? और थीटा अगर अगर 90 है तो जीरो वर्क, समझ गए वर्क का? चलो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।